हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तन्मय है सबसे पहले। कहाँ गया तन्मय? तन्मय अभी यहीं था, लाइट उसने चलाई और पता नहीं कहाँ चला गया। तन्मय तो दिखाते हैं, तन्मय ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है। मैं लेटी हुई हूँ, टाइम हो रहा है, 3 बजने वाले हैं और अब तो इनके एग्जाम है तो जल्दी छुट्टी हो गई है। लाइट काफी देर बाद जली है ना तो आंखों पे लगती है। और अभी पता अभी हम गिफ्ट ओपन करेंगे बस कुछ ही देर बाद। मैं बोल रही हूँ केक कटेगा तब मिलेंगे गिफ्ट। ये लड़का मान नहीं रहा, मैं आगे से गिफ्ट लाऊंगी। मुझे डांसर वाला गिफ्ट अभी बोलना, मुझे इसने आज अपना वो नया वाला कुर्ता पजामा पहना है, ये वाला। अभी ये दोबारा से शाम को नहा के अपना जींस शर्ट पहनेगा क्योंकि इसके ऊपर, इसके पापा के ऊपर भी शर्ट ज्यादा अच्छी लगती है मुझे और इसके ऊपर भी मुझे शर्ट। देखो अभी जो है विपिन, पहले देखो सुबह से विपिन का ना पूरा वो बना रहता है बेचारे इंसान का। इधर जाओ उसको छोड़ के आओ, इधर जाओ उसको छोड़ के आओ, फिर उसको लेके आओ, फिर इसको लेके आओ, पूरा दिन विपिन की ये रेल बनी रहती है। तो क्या है ना, इसीलिए हमने खुशी की बस लगवाई थी क्योंकि उस टाइम तो खैर हो ही नहीं पाता। तो क्या रहता है देखो, अभी सुबह इनको लेके जाते हैं पहले, फिर उसके बाद खुशी को रोड तक छोड़ने जाते हैं क्योंकि बस घर के आगे तो आती नहीं है, 1.5 किलोमीटर के करीब जाना पड़ता है। तो फिर वो सोचते हैं कि चल पैदल क्या जाएगी, छोड़ आता हूँ। फिर उसके बाद इनको लेकर आए, अब इनकी टाइमिंग अलग है। तो इनको लेने गए थे वो, मेरे ख्याल से लेने क्या सुबह चले गए थे 9, 9:30 बजे नहावा के, फिर इनको लेकर आए थे 12 बजे के करीब। फिर अभी खुशी को गुड्डू ने कल बोला था कि दीदी आप जल्दी आ जाना, क्योंकि खुशी बता रही थी कि 2:30 बजे तक उसकी सारी क्लास क्लास ओवर हो जाती है और उसके बाद वो जो है थोड़ा लाइब्रेरी में बैठती है, पढ़ती है। क्योंकि जो बस की टाइमिंग है वो मतलब पहले तो हमें यही बताया था कि 4:30 बजे तक जो है कॉलेज रहता है, 4 बजे तक, पता नहीं 4:30 तक, उसके बाद बस बस लगनी शुरू हो जाती है और बैठो अपनी बस नंबर देख के और घर आ जाओ। लेकिन अभी खुशी बता रही थी कि नहीं, जो 2:30 बजे तक की क्लास लगती है, 2:30 बजे के बाद। कहाँ पे शूज यहाँ उतार, चप्पल पहन के जाओ, शूज यहाँ उतार, चप्पल पहन के जाओ, मैं अभी चेक करूंगी जाते हैं। शूज उतार पहले, कब कहीं नहीं जाना, पिटाई हो जाएगी बस सोच। तो फिर मैंने कहा चलो 2:30 बजे आ जाएंगे उसको। फिर मैंने इनको बोला यार प्लीज देख लो, आप चले जाओगे तो 2 बजे। तो ये गई, मैंने अभी ना मोनी लगाई बिंदी बिंदी, ये ना ये पता क्या होता है, बच्चों को लगता है ना वीडियो बन रहा है और आज बर्थडे है, मैं मारना नहीं चाह रही, डांटना नहीं चाह रही। तो ये होता है कि हमें क्यों मार डांट नहीं रहे, ये नहीं पता कि मैं बहुत देर वेट नहीं करूंगी। बहन देख गुटू, तूने किचन की लाइट ऑन क्यों करके छोड़ी बेटा? हैं? तो गुड्डू स्कूल से आती सो गई थी क्योंकि जो एग्जाम चल रहे हैं, एक दिन एग्जाम एक दिन छुट्टी, एक दिन एग्जाम एक दिन छुट्टी है। गुड्डू किचन की लाइट बंद करो, मतलब सारे घर की चीजें जो है ना, लाइट देखना, चीजों को देखना, इधर पड़ी हैं उधर पड़ी हैं, चाहे वो इनकी हैं चाहे किसी की भी हैं, मेरी तो खैर चलो अलग ही है। ये किचन की लाइट क्यों ऑन करी? तूने करी है? नहीं, झूठ भाई, सच बोल रहा। बंद करो, अभी करती हूँ तेरी पिटाई। तो अभी खुशी भी आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, ले लिया है उन्होंने उसको 3 बजे के करीब, मैंने अभी फोन किया था, 3 नहीं किया होगा तो 3 बजने में उस टाइम 5-7 मिनट होंगे। ट्यूशन जाएगा 3:30 जाएगा और उसको बोल दिया बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देगी, 1 घंटे में भेज देगी। इसको मन हो रहा है मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, पर सब एग्जाम वाले दिन ना, भाई जब एग्जाम चल रहे हैं। हाँ तो कल छुट्टी है, तो कल तो कल आज 1 घंटा भेज रही हूँ ना सिर्फ, और वो भी अगर तू उससे पहले में प्रिपरेशन पढ़ाती है। नहीं गुड्डू की डेकोरेशन दिखाते हैं, कैमरा साफ कर लेते हैं पहले, कैमरा गंदा हो रहा है। तो गुड्डू लगी पड़ी है 2:30 बजे से, ये हैप्पी बर्थडे का इसने पहले ये करा है। अच्छा पंखा बंद करके रखेगी ये जब तक डेकोरेशन नहीं हो जाएगी। और तुझे ये, तूने ये नहीं पूछा कि मम्मी सिल्वर एक क्यों? क्योंकि वहां ना सिल्वर 3 थे, नहीं 2 थे या गोल्डन थे, तो इस वजह से फिर हम गोल्डन लाए थे। और ये हमने मना किया था इतनी डेकोरेशन नहीं करनी, कोई बात नहीं, हम वैसे ही लाए थे। ये देखिए 2 ही लगा देती, मत मान, कर मेहनत, लगी रहे 4-5 घंटे, दुखा अपने हाथ पैरों को हमें क्या, ये लड़की नहीं मानती भाई।
स्पेशल बना देती है दिन। सुबह से कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसे ही लग रहा था नॉर्मल दिन की तरह। अब लगेगा कि हाँ भाई तन्मय का बर्थडे है, और तन्मय भी खुश हो रहा था। गुड्डू दीदी मेरे लिए वो कर रही है डेकोरेशन। चलो भाई करने देते हैं, मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं ये। और मैं जाऊंगी किचन में सूजी का चीला बनाने। चीले बन चुके हैं, सूजी के बनाए थे ये मैंने। और इसमें ना मैंने डाला था शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, और इन सबको चोपर में कर लिया था एक साथ मैंने। और जो मेरा चोपर आप देखते हो ना, उसके बारे में पूछते हुए कहाँ से लिया, कैसा है ये, तो वो ना अब तो ख़राब हो गया, साल भर भी नहीं हुआ उसको और अब वो ख़राब होने लग रहा है। अब उससे ना चक चक करके एकदम से होता भी नहीं है। तो ये चीज़ें ना कुछ समय ही अच्छी चलती हैं, उसके बाद ना ख़राब सी हो जाती हैं। और फाइनल डेकोरेशन मैंने कहा मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, तो आप लोग भी बताना कैसी लगी। देखो डेकोरेशन कंप्लीट कर दी लड़की ने, और लड़की ये भी ले लो जो आपने पी थी, ये सारा इसके अंदर करके रख दे वहां पे ना, क्योंकि ये इसने तन मैंने पहना था है ना, सारा यहीं के यहीं इसके अंदर इकट्ठा कर दे और फिर वहां पे कर दे। और झाड़ू जो करेगी ना बिल्कुल उससे। तन्मय तू टॉफी कितनी खाएगा, तू सारी खा के तेरे दांत सड़ जाएंगे। नहीं बस ये। अच्छा लास्ट ले ली ना, लास्ट ले ली ना बस, तन्मय ज्यादा टॉफी ठीक नहीं होती। ये रखने हैं ये देखो भाई डेकोरेशन तन्मय की। और यहाँ पे भी गुड्डू ने डेकोरेशन की है, मैंने मना कर दिया था उसको यहाँ तक नहीं करना, थक जाएगी तू। मैंने कहा इतनी बहुत है। और ये भी ना ये इसे करते करते देखो 5:30 बज गए हैं, तो मैंने मना कर दिया था कि गुड्डू कम ही कर दे, कोई बात नहीं इस तरह। और वो रिबन जो लटकाती है ना ये, वो मिला नहीं था, नहीं था ना इसमें। हाँ उन्होंने मना भी कर दिया था, तो इस तरीके से बहुत सुंदर किया है। बहुत सुंदर है गुड्डू। अभी है शाम के 8:00 का टाइम और हम सब लोग लगभग रेडी हो चुके हैं। ये तन्मय है, और तन्मय का मैंने कहा मैं एक बार दिखा देती हूँ भाई उसने कौन सी, मतलब वैसे तो आपने देख लिए थे पर एक बार दिखा देती हूँ। तो उसके पास ना डार्क कलर की शर्ट तो थी, मैंने कहा इस बार थोड़ी सी लाइट कलर की शर्ट लेते हैं, और अच्छा लग रहा था उसके ऊपर, पैंट शर्ट अच्छे लगते हैं। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ना थोड़े से बाल अपने स्ट्रेट करा लिए थे क्योंकि मेरे बाल ना आगे से बहुत ज़्यादा कर्ली बड़े अजीब से हो रखे थे, तो मुझे वो करते करते ना फिर मैंने सारे ही मैंने कहा चल कर लेते हैं जब घर में स्ट्रेटनर है तो, और फिर अच्छे भी हो जाते हैं। और मैं ना जब मैं सोच रही हूँ जब हमारी ओपनिंग वगैरह का रहेगा ना, उससे पहले मैं परमानेंट फिर से रिबॉन्डिंग कराऊँगी, क्योंकि लुक बहुत मैटर करता है आपका किसी भी चीज़ में। तो अभी तो नहीं कराऊंगी, जब मेरा ओपनिंग वगैरह का रहेगा अगले साल तभी मैं देखूंगी। तो यहाँ पे जो है केक लेकर आया, और केक के डब्बे में से ना अजीब सी स्मेल सी आ रही थी, तो मैं इनको बोल रही थी, ये कह रहे नहीं आ रही तुझे ही लग रहा है कि तुझे तो खम खाती रहती है। मैंने कहा चलो फिर मेरे को ही आ रही होगी। और यहाँ पे कार्तिक तो आ चुका है, लक्की और भाभी को आना बाकी है, तो अभी बस हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैंने कहा चलो इतने तक केक वेक रख लेते हैं, और खाना तो हम लोग बाहर ही खाने जाएंगे। खाना तो तन्मय के बर्थडे पे घर पे हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको
ये रहता है कि भाई बाहर का खाना खाना है। और पता है गुड्डू के तो फिर भी हमने 2-3 बर्थडे इस तरीके के कर दिए कि सारी फैमिली वालों का खाना वाना हो गया, घर पे हलवाई लगा दिया, लेकिन तन्मय का अभी तक एक भी बर्थडे ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखते हैं 1-2 साल में, या वो 10 साल का जब होगा उसका बर्थडे एक इस तरीके का करेंगे, क्योंकि गुड्डू के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हो ही जाती हैं, तन्मय के लिए नहीं हो पाती। वो कहता भी नहीं है बेचारा, और ये बात हकीकत है, जो अपने लिए नहीं बोलता ना फिर उसके लिए कोई सोचता भी नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे ना ये केक विपिन लेकर आए थे, बहुत सुंदर है, चॉकलेट केक पसंद है बच्चों को, फ्रूट केक मुझे पसंद है। तो यहाँ पर जो है बस तन्मय तैयार है केक कट करने के लिए, लेकिन वेट हो रहा है लक्की का और भाभी का, तो उनका वेट कर रहे हैं। और तन्मय को केक कट करना है लक्की के साथ, तो वो उन्हीं को बुला रहा है कि आ जाओ केक कट करेंगे, मेरे साथ बैठो। मेरे दोनों बच्चे ना, मुझे इस बात में, इनके अंदर एक क्वालिटी है कि बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो जाते हैं, किसी से भी। मतलब आप इनके साथ 2 दिन रह जाओ, तीसरे दिन ना ये आपको जाने ही नहीं देंगे घर से, और आपके लिए ना ये सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ ना जो भी कोई इनके साथ रह के जाता है वो भी बोलता है, मतलब बस सब कुछ दे देंगे ये उसको, अपना दिल जिगर निकाल के कि भाई बस अब तुम ही हो जो भी हो, और बहुत प्यार करने लग जाते हैं। और मुझे ना इन दोनों, मेरे गुड्डू और तन्मय दोनों की बात है, बहुत जल्दी से अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पे ना केक कट गया, और ये क्या हुआ था कि उसको लगा ये फुल चॉकलेट केक है अंदर से भी, लेकिन ये फुल चॉकलेट केक नहीं था, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो रहा था, जबकि उसने खुद बोल दिया था कि मुझे फुल चॉकलेट केक चाहिए। अब विपिन ने भी आगे भैया को यही बोला था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सुनने में मिस्टेक हुई, क्योंकि वहाँ पे 2-3 और केक के ऑर्डर उस टाइम दिए जा रहे थे। तो फिर मैंने उसको समझाया, कोई बात नहीं खा ले, ये चॉकलेट केक ही है, ये है वो है। तन्मय नहीं खाता फ्रूट केक ना, जब घर पे आता है तो वो रखा रहता है, वो नहीं खाता, हम खाएँ या गुड्डू खाए, उसको चॉकलेट केक ही चाहिए। तो यहाँ पे उसने सबको केक खिलाना शुरू कर दिया, और ये देखो गुड्डू ने क्या किया। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस तरह की चीज़ों पे, भाई जब बाहर जा रहे हैं केक वेक मत लगाओ। तो चलो अब चलेंगे हम लोग बाहर, चलो गाइस। अभी हम पहुंच चुके हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं बताओ, आप लोगों को याद होना चाहिए नाम यहाँ का। बस यहाँ की ना चीज़ें चेंज हो गई हैं, लुक चेंज हो गया है। आप लोगों ने अक्सर वैसे टी शर्ट पे पढ़ लिया होगा आपने संदीप, संदीप आ गए हैं हम विकास नगर में, जहाँ पर हम बहुत जाते थे, क्योंकि यहाँ का जो खाने का टेस्ट है ना वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर फास्ट फूड जैसे आप नूडल्स वगैरह मंगाते हैं वो उतना अच्छा नहीं लगता है स्टार्टर में, तो फिर वो चीज़ इस वजह से हमने बीच में यहाँ पे। और दूसरा ना फिर ये भी हो गया था यार, संदीप संदीप संदीप, चलो चेंज करते हैं, लेकिन अब संदीप चेंज हो गया है, तो हमने सोचा कि चलो अब संदीप चलते हैं। तो आज हम लगभग 1.5-2 साल बाद संदीप आए हैं, पता नहीं 1 साल तो हो गया होगा पूरा, और ये बिल्कुल चेंज हो गया है। जिस टाइम हम यहाँ लास्ट टाइम आए थे तो उस टाइम भी इसमें काम चल रहा था, तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाने लगी थी कि देखो भाई अभी तो काम चल ही रहा है, थोड़ा बहुत रह रखा है देखो ऊपर का। तो सब आए और सबको काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि भाई संदीप का तो पूरा लुक ही चेंज हो गया। फिर हमने ऑर्डर दे दिया था, और स्टार्टर में हमने मंगाया था चिली पनीर और नूडल्स वगैरह, जो बच्चे खाएं वही चीज़ आती है, चाहे वो चाहे घर में भी वही खा रहे हैं बाहर भी, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाता है ना कि आप बाहर जाकर दाल ऑर्डर करते हो ये वो, तो भाई जो बच्चे खाते हैं वही ऑर्डर किया जाता है, सबकी अपनी अलग चॉइस होती है। यहाँ पर ना ये बर्तन वगैरह थोड़ा सा साफ़ कर रहे थे, टिश्यू से थोड़ा सा रहता ही है ना। और कहीं की ना जैसे मैं क्रॉकरी वगैरह देखती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस मैं ले नहीं पाती क्योंकि यहाँ मिलती ही नहीं है, यहाँ पर वैसे वाली मिलती है दूसरे वाली, वो मेरे पास है, मुझे कुछ इस टाइप की सेरेमिक में चाहिए, लेकिन ये सेरेमिक नहीं है, ये मेलामाइन है ये वाली, इसके पीछे लिखा भी हुआ था, ये कांच में नहीं है, टूटेगी नहीं है, प्लास्टिक में ही है, कड़क प्लास्टिक में जो होती है वो, लेकिन अच्छी लग रही थी देखने में ना। अब मैं जाऊंगी ना तो मैं लेकर आऊंगी उस टाइप की क्रॉक बर्तन में ना, सेरामिक में जो होते हैं। और यहाँ पर जो है बस खाना आ गया है, खाने में था दाल मखनी दाल और बटर मसाला पनीर और मलाई कोफ्ता, पापड़ था, चावल थे और नान थी, बस यही सब था। और अभी हम खाएंगे, और हम लोगों को सबको, मतलब मैं तो नहीं खाती खैर चावल, मैं बाहर जाकर नहीं खाती, लेकिन इन सब लोगों को चाहिए बच्चों को कि चावल होने चाहिए और मखनी दाल होनी चाहिए, तो वो हमेशा होती है। तो इस चीज़ को लेकर कई बार कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, आप मखनी दाल खा रहे हो घर में भी वही बाहर भी वही, तो भाई हम लोगों का यही रहता है।
बीकानेर से निकले और नहीं नहीं संदीप से निकले और संदीप के सामने ही है बीकानेर। अभी हम जा रहे हैं बीकानेर, कुछ मीठा खा लेते हैं। वैसे तो केक है घर पे, खाया भी था लेकिन गुलाब जामुन इसकी बात अलग है। भाभी ने लिया है ड्राई फ्रूट लड्डू और कार्तिक भी ड्राई फ्रूट लड्डू काजू कतली लेगा। नहीं नहीं जो ले करता है, मैं गुलाब जामुन भी, मेरा गुलाब जामुन, गुलाब जामुन है। हाँ मुझे गुलाब जामुन दो देना, दो बार मोदक किसी ने विपिन क्या हुआ घर जा खाऊंगा यार बहुत अच्छी है। देखो मुझे गुलाब जामुन का मन होता है गरम गरम खाने के बाद। हाँ खाने तो यहाँ पे टाइम टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं तो यहाँ पे ठीक ठाक 9:30 बज रहे हैं और यहाँ ठीक ठाक भीड़ है। ये जो कि दोनों प्रसाद में रख ले कल सुन कल गणपति के हम बात कर रहे थे ना, देखेंगे। बीकानेर में थे और हमें लग रहा था हाय बच्चे ने कुछ नहीं खाया क्योंकि इन्होंने वहाँ पे मना कर दिया था हमें ये मिठाई नहीं खानी, हमें वो मिठाई नहीं खानी, और ये लोग आके खड़े हो गए थे यहाँ पर। हम सोचे बच्चे बेचारे बाहर खड़े हैं और बच्चे हमने जब देखे आके तो मैं और भाभी यहाँ पे यही हंस रहे थे और यही बोल रहे थे अच्छा ये बच्चे तो यहाँ पे अपना अलग ही शेक वगैरह ले रहे हैं, कुल्फी वगैरह ले रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक किया ले ली तुम लोगों ने, वरना ऐसे मन में हो रहा था यार बच्चों ने कुछ नहीं खाया। तो अभी चलते हैं घर, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, खूब हंसी मजाक किया। और वैसे तो ना ऐसे मन था शाम के टाइम भी चलो भी गाने वाने चलाते हैं डांस करते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम है ना तो इस वजह से वो चीज हमने रहने दी थी। फिर सत्संग चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी क्या है भैया, मैं तो देख रही जी आप एक महीने बाद आएगा कार्तिक का बर्थडे। अरे दिखाएगी नखरे? हाँ मैं अभी उन्होंने बात छेड़ी थी तो मैं तो दिखाऊंगी नखरे। मैं तो आऊंगी अच्छा। मैं तो नहीं आऊंगी क्यों भाई? क्यों नहीं आए? तुझे ही तो करना, तुझे ही तो करना। नहीं देखकर इंतजाम कर लिए ने और नहीं तो बता रही बातें। पार्टी का बर्थडे तो नवरात्रों में है। नहीं मैं उसमें भी नखरे दिखाऊंगी, चल जाओ तभी वो चले जाओ तुम चले जाओ। कार्तिक का बर्थडे तो नवरात्रों में 17 अक्टूबर को, या तो हमें उसका बर्थडे, या तो हम उसका बर्थडे पहले करें या फिर बाद में करें, ऐसे उस दिन ना वो बनाएंगे कुट्टू का। हाँ कुट्टू का बनाएंगे। नहीं हम लोग ऐसे ही करेंगे, सूजी का हलवा नहीं ऐसे ही करेंगे ना, सबके साथ अलग मजा आता है ना फिर बाद में। फिर बच्चों को कार्तिक को तो वैसे भी बहुत वो होता है, अरमान सा आता है उसको, तो इसलिए ना या तो ऐसे करेंगे कि नवरात्रि से एक दिन पहले। तन्मय को लग रहा था बस उसको अब अपने गिफ्ट ओपन करने हैं घर जाते ही, तो यहाँ पर ये उसके गिफ्ट्स हैं, अब उसको ये ओपन करने हैं और इसको बड़ी जल्दी लगी पड़ी है। सबसे पहले इसने ये पूछा कि वो डायनासोर से किसके अंदर है, तो जब इसको पता चला इसमें है तो इसने सबसे पहले इस छोटे वाले पैकेट को खोला और भाई इस विपिन का कहना कि उसको कुछ नहीं अच्छा लगने का, उसको यही अच्छा लगेगा। और ये देखते ही तो उसने हाँ ऐसा ही लक्की भी लेकर आया था इसके लिए। तो ये ना आजकल बस इसको डायनासोर डायनासोर डायनासोर, टीवी में भी डायनासोर और भाई इसको चाहिए भी थे डायनासोर। हमने यहाँ पे काफ़ी देखे वैसे वाले नहीं मिल रहे थे और ये किसी को छेड़ने भी नहीं दे रहा था इनको, किसी ने छेड़ लिया तो बस रोना शुरू। और बच्चों की ना इन हरकतों पे गुस्सा भी बहुत आता है कि क्या हो गया छेड़ दिया तो, और फिर ऐसे मन करता है ना 2-4 थप्पड़ लगा दो ढंग से रुला दो बच्चों को, तो ऐसे वाली चीज़ें हो रही थी इसीलिए यहाँ पे वॉइस ओवर चल रहा है। तो यहाँ पे चलो इसका दूसरा गिफ्ट आपको फटाफट से दिखा देते हैं। इसमें इस तरह की कार है जैसी बाहर लगी हुई है और अभी सामने से निकाल के भी दिखा देते हैं।
ये विपिन को था कि चलो ले लेते हैं, और इस बार ही इसके लिए ये चार गिफ्ट आए हैं, वरना हमेशा तन्मय के लिए आपने भी देखा होगा एक आधा टेडी बियर आ जाता है, और ये चार गिफ्ट बस ये लास्ट ही थे, अगली बार से एक गिफ्ट मिलेगा नहीं तो पता नहीं, क्योंकि देखो कपड़े वपड़े हो जाते हैं, गिफ्ट्स से क्या करना है। और ये वाली किट इसलिए ला के दी थी, एग्ज़ाम है, कलर भी चाहिए और बच्चों को कलर करने का शौक़ होता है, तो चलो भाई वो बैठा रहेगा कर लेगा। लेकिन आपने देखा इसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो है डायनासोर में ही था, और मैंने विपिन को बोला भी था सिर्फ दो ही चीज़ लेकर चलते हैं कि नहीं 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 ले ले उसके लिए ये गाड़ी ले ले गाड़ी। फिर मैंने कहा चलो भाई उनका मन है तो ले लो, वरना ये हो जाएगा चलो भाई अपने मन की करनी है। ये मैं लेकर आई थी कि मैं खेलूँगी बच्चों के साथ, इसके साथ ये इस तरीके का है जो लास्ट गिफ्ट है। तो चार गिफ्ट थे तन्मय के, तो ये हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए हैं। और यहाँ पर जो है गुड्डू अपना कलर वलर देख रही है, उसको अपने मतलब की चीज़ें भी उसके अंदर दिख गई हैं, तो वो उसमें लग गई है। और यहाँ पे अभी हम लोग इससे खेलेंगे, और मैंने जो है अभी कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि मेरे को ना घुटन सी हो रही थी, मुँह तो मैंने आते ही धो लिया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी फिर दाने वाने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने आके गिफ्ट विफ्ट ओपन हुए, उसके बाद सीधा मुँह धोया, उसके बाद एक किट देखने लगी थी मैं, मैंने कहा क्या क्या है इसके अंदर, और ये 350 या 380 के करीब की थी। इसमें तीन वो थे 550, 350 और 750, और पता नहीं 10-20 रुपये ऊपर नीचे तो नहीं थे, ऊपर ही हो सकते हैं। ऐसा रहा तन्मय का बर्थडे का दिन, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उसको भर भर के हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कैसे लगे उसके गिफ्ट बताइएगा।